एंटी मैटर यूनिवर्स, जहां पर अभी फायरस्टॉर्म घूम रहा था, या फिर यू कहे कि वो व्हाइट लैंटर्न के साथ प्रोफेसर स्टेन और जेसन के फादर को ढूंढ रहा था। और यहाँ पर वो दोनों व्हाइट ग्लो को देखते ही व्हाइट ग्लो की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर उन्हें ये अंदाजा था कि वहीं पर प्रोफेसर स्टेन और डेथस्टॉर्म के साथ बाकी सभी लैंटर्न्स होंगे, जो कि व्हाइट लैंटर्न को लिए खड़े होंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उनका अंदेशा सही था, क्योंकि व्हाइट लैंटर्न के साथ एंटी मॉनिटर कुछ कर रहा था और वो कह रहा था, तुम्हारी पावर व्हाइट लैंटर्न अब वो मेरी होगी। और इसी के साथ जेसन रज प्रोफेसर स्टेन से पूछता है कि वो आखिर है क्या। तब वो बताता है कि वो एंटी मॉनिटर है, जो कि मोस्ट डेंजरस बीइंग है एग्जिस्टेंस की, क्योंकि उसने अब तक कई लोगों को मारा है, ज्यादातर किल रिकॉर्ड्स उसी के नाम पर दर्ज होंगे। यहाँ पर एंटी मॉनिटर लाइफ फोर्स निकाल रहा था व्हाइट लैंटर्न से खुद को पावरफुल बनाने के लिए, ताकि वो अनस्टॉपेबल बन सके और इसी के साथ वो सभी लाइफ फोर्स को भी अपने अंडर रख सके। यहाँ पर ये सब फायरस्टॉर्म देख रहा था, और फायरस्टॉर्म यानी कि जेसन और जॉनी दोनों ही प्लान बनाते हैं, लेकिन वो पूछता है कि आखिर एंटी मॉनिटर कितना ताकतवर है। तब जेसन कहता है कि जब मैं पहली बार इससे लड़ा तब मैं अपने बेस्ट पर था, और साथ ही साथ मेरे पास कैप्टन एटम, सुपरमैन और उन जैसे ही 30 लोग थे, तो इसके साथ लड़ना हवा नहीं है। तब वो कहता है, लेकिन हम ऐसे चुपचाप नहीं रह सकते। यहाँ पर व्हाइट लैंटर उनके प्रेजेंस को महसूस कर चुकी थी और वो कहती है वो आ चुके हैं, लेकिन अब तक मैं रेडी नहीं हूँ, क्योंकि एंटी मॉनिटर यूनिवर्स इन्फॉर्मेशन नीडेड है मुझे अभी भी। तो इस वजह से वो एक ब्लास्ट करती है और उन सभी को वहां से दूर करती है। इतना देखकर जेसन और रॉनी दोनों ही समझ जाते हैं कि उन्हें क्या करना है, और वो दोनों ही इसी मौके का फायदा उठाकर एंटी मॉनिटर पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर एंटी मॉनिटर पर अटैक होता देख सभी ब्लैक लैंटर्न्स उसकी तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर जेसन कहता है कि उसके सर को हाइड्रोजन में बदलो ताकि हम उसे मात दे सके। तब वो कहता है कि मैं इससे भी कई कॉम्प्लेक्स चीजें कर सकता हूँ, सिर्फ हाइड्रोजन ही क्यों। तब वो कहता है मुझ पर भरोसा करो, और वो ऐसा ही करता है। ऐसा करने के बाद रॉनी समझ जाता है कि आगे क्या करना है, और वो एक माचिस की तीली को जलाकर उसके हेड की तरफ फेंकता है, जिस वजह से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, और इसी ब्लास्ट का फायदा उठाकर फायरस्टॉर्म व्हाइट लैंटर्न वहां से उठा लेता है। लेकिन तब तक हम देखते हैं कि एंटी मॉनिटर सवर चुका था, और वो कहता है, तुम्हें लगता है कि ये मुझे रोक पाएगा, तो तुम गलत हो, पूरी तरह से गलत हो। और वो एक ही ब्लू से उन दोनों को फायरस्टॉर्म मैट्रिक्स से अलग कर देता है, और यहाँ पर दोनों ही अपने ह्यूमन फॉर्म में पड़े हुए थे। यहाँ पर रॉनी के पास व्हाइट लैंटर्न थी, और उसकी तरफ बढ़ते हुए ब्लैक लैंटर्न उसे उकसा रहा था, उसे इमोशनल फीड करने की कोशिश कर रहा था, उसे अलग अलग इमोशंस को पैदा करने के लिए मजबूर कर रहा था, और इस वजह से वो प्रोफेसर स्टेन को उसके सामने खड़ा कर देता है। लेकिन एंटी मॉनिटर कहता है कि मुझे पता है कि तुम उसके इमोशन पर फीड करने की कोशिश कर रहे हो ब्लैक लैंटर्न, लेकिन मुझे ये जानना है कि लैंटर्न मुझसे ले जाकर आखिर वो लोग करने क्या वाले थे, उनके साथ मिलकर वो किस चीज को एंड करने वाले थे। लेकिन ब्लैक लैंटर्न फायरस्टॉर्म यानी कि डेथस्टॉर्म उसकी नहीं सुनता, और वो जेसन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, ताकि इस वजह से जेसन के पिता को गुस्सा आए और वो उस पर फीड कर सके। लेकिन जैसे ही वो जेसन पर अटैक करता है, रॉनी उसे डॉच करने के लिए बीच में कूदता है, लेकिन रॉनी देखता है कि उस पार को प्रोफेसर स्टेन खुद पर ले चुके थे, और वो धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगते हैं सॉल्ट में, और इस वजह से गुस्सा होकर वो एंटी मॉनिटर उन सभी पर हमला कर देता है। यहाँ पर रॉनी प्रोफेसर स्टेन को सॉल्ट में कन्वर्ट होता देख रहा था, और इसी वजह से वो दोनों मर्ज होकर फायरस्टॉर्म बन जाते हैं और कुछ आइडिया सोचने के लिए ट्राई करते हैं, लेकिन प्रोफेसर स्टेन बताते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है। तब व्हाइट लैंटर्न उसके हाथ में देते हुए फायरस्टॉर्म कहता है कि इन्हें वापस लाओ, इन्हें फिर से जिंदा करो, लेकिन व्हाइट लैंटर्न साफ साफ मना कर देती है। तब मरते हुए प्रोफेसर स्टेन कहते हैं कि मैंने तुमसे झूठ कहा था रॉनी, कि तुम मेरे लिए बेटे जैसे हो, ये गलत है, तुम मेरे लिए बेटे से बढ़कर हो, और वो सॉल्ट में डिसॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि जेसन की गर्लफ्रेंड हो चुकी थी। और इतना देखते ही डेथस्टॉर्म कहता है कि ओल्ड मैन अब मर चुका है, इसका मतलब है कि अब पार्टी टाइम है। यहाँ पर जेसन कहता है कि रॉनी डेथस्टॉर्म और ब्लैक लैंटर्न यहाँ पर आ चुके हैं, और मेरे डैड अभी भी हमारे पास नहीं है, तो हम करेंगे क्या। तब वो कहता है कि हम उनके एस को किक करेंगे।
लेकिन तब तक व्हाइट लैंटर्न कहती है, रॉनी रेमंड ऑफ अर्थ, तुम्हारा मिशन अकम्प्लिश हो चुका है और तुम्हें लाइफ रिटर्न की जाती है। और इसी के साथ व्हाइट लैंटर्न उन दोनों को ही टेलीपोर्ट कर देती है स्टार सिटी में, जहाँ पर पहले फायरस्टॉर्म उससे पूछता है कि आखिर ये हो क्या रहा है और हम है कहाँ पर। तो वो बताती है, मैंने ब्लैक लैंटर्न को डिस्ट्रॉय कर दिया है और तुम दोनों को टेलीपोर्ट कर दिया है अर्थ पर, और अब एंटीमोनिटर के साथ लड़ने की जरूरत नहीं है। वो आगे कहती है कि तुम्हें मास्टर करना था मैट्रिक्स की पावर को और एक्सपीरियंस करना था, इसके बजाय तुम सर्वाइव नहीं कर पाते। तब वो आगे बताती है कि जेसन के पिता अपने घर पर है सेफली, लेकिन प्रोफेसर स्टेन मैं उन्हें नहीं बचा सकती क्योंकि वो हमारा कंसर्न नहीं है और वो अननेसेसरी थे तुम्हारे जर्नी के लिए। तब गुस्से में फायरस्टॉर्म कहता है, ये तय करने का हक तुम्हें किसने दिया कि कौन अननेसेसरी है, और क्या इसीलिए हमने रिस्क लेकर तुम्हें बचाया था। तब व्हाइट लैंटर्न कहती है कि एंटीमैटर यूनिवर्स में मुझे जो एक्सपेक्टेड डाटा कलेक्ट करना था वो कर लिया है और अब हमें उसकी जरूरत नहीं है। तब वो कहता है, तुम बात किसके बारे में कर रही हो, लेकिन तब तक फायरस्टॉर्म को कोई पीछे से पुकारता है। और तब हम देखते हैं डेड मैन को जो कहता है, मुझे लैंटर्न दे दो, और वो अपनी रिंग को पॉइंट करते हुए उसकी तरफ बढ़ता है। तब लैंटर्न कहती है, जैसा वो कहता है वैसा करो क्योंकि अर्थ की लाइफ अब इस पर डिपेंड है। तो इसी के साथ आज का वीडियो ये पर खत्म होता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ अगर आपके पास इस वीडियो जैसे ही कोई और टॉपिक्स हो तो भी मुझे कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय द लाइफ, धन्यवाद और जय हिंद।